way to improve your MCQ performing skills, because in board anything can, any kind of MCQ can come. It can be either a difficult one. Students को ये फायदा मिलेगा कि वो board में अच्छी इसकी practice कर सकेंगे और board में अच्छे number ले सकेंगे. जी, ऐसे बच्चे जो पढ़ने की लगन रखते हैं लेकिन उनके कुछ वसाइल या पैसों की वजह से वो नहीं पढ़ सकते, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. विन करने की जो उम्मीद नहीं है लेकिन टेस्ट अच्छा हुआ. मुझे बहुत अच्छा लगा और आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ एमटीबी. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहम्मद शाहबान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमटीबी में, जहाँ पे डायमंड माइंड ऑफ सादकाबाद के हवाले से शानदार प्रोग्राम का इनका किया गया. पिछली मरतबा 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, इस मरतबा तो कमाल ही हो गया. पूरा कॉलेज जो है वो इस वक्त मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया तो भरा हुआ है. यहाँ पर जो है डायमंड ऑफ माइंड ऑफ सादकाबाद का जो है टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें तकरीबन जो है 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं. यहाँ पर यह ग्राउंड मुकम्मल जो है वो भर चुका है. इसके अलावा जो जितने इनके कमरा जाते हैं वो भी आप वीडियो में देख रहे हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो भर चुके हैं इस वक्त. और आज है भी संडे और यहाँ पर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद इसमें हिस्सा ले रही है. उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है. उमैर साहब, हर मरतबा एमटीबी कमाल कर देता है, इस मरतबा जो है वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट देख के मैं हैरान रह गया. बाहर गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर जो है वो इतने स्टूडेंट्स देख के मैं खुद मतलब के दंग रह गया कि माशाल्लाह एमटीबी हर मरतबा कमाल करता है. क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया शबान भाई आपकी तशरीफ़ आवरी का. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एमटीबी मैनेजमेंट को. लेकिन देखें, एमटीबी मदरसतुल बनात जो है वो हमेशा से तालीम के लिए कोशा है, उसके फ़रोग़ के लिए कोशा है. लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने एमटीबी के स्टूडेंट्स के लिए ही ये तालीमी खिदमात सर अंजाम ना दें, बल्कि अपने शहर के तमाम स्टूडेंट्स को भी इसका हिस्सा बनाएं. तो ये एक्टिविटी उसी की गमाज है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर से, गांव से, इस सादकाबाद के तमाम पेरीफ्री से इस वक्त 5000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हमारे इस टेस्ट का हिस्सा हैं. और इस टेस्ट का मकसद जो है वो बच्चों की बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से उससे पहले एक प्रिपरेशन है, ओरिएंटेशन है, क्योंकि एमटीबी के नतायज हमेशा बहुत ही अच्छे आते हैं मैट्रिक लेवल पर. तो हमने उसका हिस्सा बनाया है अपने तमाम शहर को, अपने तमाम शहर के स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को. और हमने उसमें ना सिर्फ उनका हिस्सा बनाया है बल्कि उनको एक्नॉलेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइजेस रखे हैं, स्कॉलरशिप्स रखे हैं, ताकि हम फरोगे तालीम में इन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करवा सकें. और अपने इस कौम की जो सबसे बड़ी उम्मीद है, जो यंग जनरेशन है, उसको इल्म से बहरावर करवा सकें. बहुत शुक्रिया. अच्छा, हमारे साथ मेहताब बदर साहब भी मौजूद हैं. सर बताइएगा, आज जो है वो कितने स्टूडेंट तकरीबन 5000 से ज़्यादा जिस तरह सर ने बताया हिस्सा ले रहे हैं, इनके इम्तहान जो है वो आज शुरू हो चुके हैं, पेपर भी लिया जा रहा है, रिजल्ट इनका जो है वो कब तक आएगा? और बाकी जो है बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं, तो इस वाले साहब का क्या कहना है? शबान भाई, इस आज के इस इवेंट में तकरीबन 5000 प्लस स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है. और लास्ट टाइम की तरह, जैसे लास्ट टाइम एमटीबी ने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्कूल्स के साथ जो कमिटमेंट की थी, वो इस लास्ट टाइम हमने उस कमिटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया. तो ये वालदैन का एक ट्रस्ट है, बच्चों का एक ट्रस्ट है, शहर का एक ट्रस्ट है, जो एमटीबी के ऊपर इस टाइम कायम हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे होंगे कैमरामैन आपका दिखा रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है. इसके अलावा हमारे रूम्स गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज में भी फुली ऑक्यूपाइड हैं. तो आज की एक्टिविटी इस हवाले से मैं समझता हूँ कि शहर के लिए एक बहुत अच्छा एक इवेंट भी है और बच्चों के लिए एक फ्रूटफुल एक्टिविटी. बहुत शुक्रिया शुभान भाई. इस वक्त पूरी तहसील सादकाबाद से 5000 से ज़्यादा तालिब इल्मों का एमटीबी कॉलेज में आना और इस डायमंड माइंड में हिस्सा लेना, इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह एमटीबी कॉलेज पे एतमाद भी है, टीचर्स का भी, स्टूडेंट्स का भी. और इस वक्त हमारे पास, जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी कैटेगराइज़ किया था इसको, तीन हिस्सों में थे. वो ये थे कि हमने एक गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए अलग से रिजल्ट अनाउंस किया था, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के लिए अलग से रिजल्ट अनाउंस किया था, और एमटीबी स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चों के लिए अलग से हमने रिजल्ट अनाउंस किया था. और हमने वो अपना वादा भी पूरा किया और हज़ारों की तादाद में जो यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स गाला में वहाँ पर बच्चों को इनाम दिए गए. और आज आप देखें, आप बच्चों से मिलेंगे, उनके अंदर जोश ज़रा देखें, उनके अंदर वो कितने पुरजोश हैं इस टेस्ट को देने के लिए और बहुत पुरएतमाद हैं. और आप देखें कि बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर बच्चे हमारे पास आए हैं और पूरी तहसील सादकाबाद से बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं. और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त शायद हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी कोई एक्टिविटी हो रही हो.
बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से जिस तरह बोर्ड के इम्तहानात होते हैं उसी तरीके के उसी पैटर्न के साथ पेपर दिया गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाया तो उसी तरीके से जो है उनकी निगरानी की जा रही है और बड़ा ही डिसिप्लिन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर बैठ के अपना बेहतरीन अंदाज में जो है पेपर दे रही हैं। यहाँ पर गार्डियन भी उनके मौजूद हैं जो हर तरह से उनको जो है वो गाइड भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो शहर सादकाबाद के स्कूलों की इस वक्त MTB में जो है वो उमड़ चुकी है। इस वक्त आपको जो है वो यहाँ पर मनाजर दिखाए जा रहे हैं डायमंड माइंड ऑफ सादकाबाद के। बच्चों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि डायमंड माइंड ऑफ सादकाबाद में आकर उनको कैसा लगा और वो कितने पूरे उम्मीद हैं और इस बार जो है वो डायमंड माइंड ऑफ सादकाबाद का सहरा किसके सर पर जाता है वो भी आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। से आई हूँ मैं और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और जब उन्हें हम यहाँ स्कूल आए थे तो उन्हें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अपने बोर्ड के पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मैं MTB से हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा था, नॉर्मल था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, इससे हमारी बोर्ड के पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छी हुई है। अगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे विन करें वो जी। टेस्ट बहुत सिंपल था, ईजी था, बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बहुत इन्हेंस हुआ, बूस्ट अप हुआ और बहुत अच्छे टेस्टिंग सर्विस। विन करने की जो उम्मीद नहीं है लेकिन टेस्ट अच्छा हुआ। मैं गर्ल्स हाई स्कूल एवंटपुर लम्बा से आई हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग गया है और मुझे उम्मीद है कि मैं ये टेस्ट पास कर लूँगी। मेरा नाम अजहर हुसैन है, मैं गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल मोहम्मद नवाज़ चौक शबाजपुर से आया हूँ। ये टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और टेस्ट देने का बहुत मज़ा आया है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से मैं कामयाबी हासिल करूँगा, उम्मीद बहुत है जी, बहुत उम्मीद है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके पेपर देना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। के हाथ में है, बस पेपर बहुत अच्छा था, ज़्यादा मतलब इतना भी के नॉलेज बेस नहीं था, ज़्यादा बुक से था क्वेश्चन, तो फिर सही था, पेपर बहुत अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे ये इस एक्टिविटी से जो है वो स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हासिल होता है? स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा मिलेगा कि वो बोर्ड में अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे और बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकेंगे जी। इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर है, बहुत टेस्ट ईजी आया था, कोशिश पूरी है कि अच्छा टेस्ट दिया है, लेकिन अब इंशाल्लाह देखें। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, हम ऐसे इलाके से आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि तालीम का कोई भी क्या नहीं है, लेकिन हमने ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और मेरा दिल कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी पढ़ता रहूँ। मैं पैरामाउंट स्कूल से आया हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि MTB स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो इन्होंने प्रोग्राम करवाया है बहुत अच्छा करवाया है, इससे लोगों को पता चलता है कि वो कितने पानी में है, टेंथ में कितने नंबर ले सकते हैं। आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह लगता है पास हो जाएंगे, लेकिन अच्छे नंबर की ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। डायमंड माइंड ऑफ सादकाबाद का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, बच्चे जो स्टूडेंट यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलो कि इस मरतबा जो है 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। कौन से स्कूल से है, कैसा लगा? अक्सा मॉडल हाई स्कूल से। बहुत अच्छा लगा टेस्ट, बहुत अच्छा लगा क्योंकि MTBA ने अच्छा निकाल किया और बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा यहाँ पे आप कौन से स्कूल से तशरीफ लाए हैं और डायमंड माइंड ऑफ सादकाबाद का टेस्ट हुआ है तो उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे, नंबर सेवन लेंगे? मैं MTB स्कूल का ही हूँ, इधर का ही, और उम्मीद है कि पोजीशन भी आएगी और टेस्ट अच्छा हुआ है, टेस्ट आसान भी था और बाकी भी स्कूल वालों को चाहिए कि वो ऐसा इवेंट अरेंज किया करें जैसा कि MTB ने किया डायमंड माइंड जैसा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बहुत से लोग इधर स्टूडेंट्स और भी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छा लड़का यहाँ पे हमारे साथ खड़ा है, बड़ा स्मार्ट था, क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे ही कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स रखा करें ये, ताकि बच्चे आगे इंजॉय करें यहाँ पर, मज़ा इंजॉयमेंट करें, तो इंशाल्लाह आगे भी जो है ना MTB अरेंज करता रहेगा और हम आते रहेंगे। बिल्कुल जी, एक और लड़का हमारे साथ बड़ा प्यारा यहाँ पे लग रहा है, वास्कोट पहने, ये कौन सा स्कूल से आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? TCF स्कूल से आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा था टेस्ट? बहुत अच्छा निज़ाम था और टेस्ट भी हमारे पास इतना मुश्किल नहीं था, डिफिकल्टी नहीं था, इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। चलो जी, एक और लड़का हमारे साथ मौजूद है, टिकटॉकर भी है, बड़ा मशहूर मरूफ हस्ती है सादकाबाद की, टेस्ट देने आए हुए यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे और कैसा रहा आपका टेस्ट? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, मतलब जितना हमें लग रहा था कि मतलब बहुत टफ होगा टेस्ट, लेकिन बहुत ईजी था और मेहनत भी हमने की, यानी कि रात को 2 से 3 बजे कर स्टडी करते रहे थे और रात भी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टडी की और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा आएगा। क्या समझते हैं कि डायमंड माइंड ऑफ सादकाबाद का जो विनर है वो आप होंगे?
इंशाल्लाह वो तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की हमने। आगे जो देखो अब जो अल्लाह पाक मुकद्दर में लिख के था नजर आ रही है टेस्ट, मुझे लगता है बहुत अच्छा हो गया आपका। अस्सलाम वालेकुम, आई जस्ट गिव माय टेस्ट दैट वाज डायमंड माइन कंडक्टेड बाय एमटीवी एंड आई थिंक इन माय ओपिनियन इट्स अ वेरी ग्रेट वे टू एनहांस द स्टूडेंट्स एकेडमिक स्किल्स एंड वी प्रिपेयर्ड रियली वेल एंड इट वेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह एंड माय होप्स आर हाई फॉर द टेस्ट बट लेट्स होप फॉर द वे टू इंप्रूव योर एमसीक्यू परफॉर्मिंग स्किल्स बिकॉज इन बोर्ड एनीथिंग कैन एनी काइंड ऑफ एमसीक्यू कैन कम, इट कैन बी ईदर अ डिफिकल्ट वन, सो दिस टेस्ट आई थिंक इट प्रिपेयर्स यू फॉर ऑल काइंड ऑफ एमसीक्यूज फॉर द फ्यूचर। क्या कहना चाहेंगे आप आगे, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ एमटीबी बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट द कॉन्फिडेंस एंड द डायमंड माइंड्स। सजी नवाज वसा हाई स्कूल से हम आए हैं और अच्छा लगा टेस्ट देके, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदें हैं पास होने के, पास हो जाओगे? यस सर। चले बहुत शुक्रिया आपका, ये स्पेशल पर्सन है मेरा, बड़ा अच्छा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इसी तरह आपका यहाँ आना ही आपकी कामयाबी है, आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। और क्या कहना चाहोगे अपने उस्तादों के बारे में? सर जी उन्होंने बहुत मेहनत की हम पर और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ताकि हम कामयाबी हासिल कर लें। चले बहुत शुक्रिया, मेरी दुआएं आपके साथ। बहुत अच्छा हो गया टेस्ट, इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे, उम्मीद तो बहुत है लेकिन अब अल्लाह की मर्जी क्या करते हैं। तो ये इस टेस्ट से जो है वो आपको क्या फायदे हासिल होते हैं? बहुत से फायदे हासिल है, इधर बंदा अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमारे उस्तादों का शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ऐसे बच्चे जो पढ़ने की लगन रखते हैं लेकिन उनके कुछ वसाइल या पैसों की वजह से वो नहीं पढ़ सकते, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है, इंशाल्लाह ये एमटीबी इदारा ऐसे ही काम करता रहेगा। हम बस गाँव से आए तो हमें इतना अच्छा मौका मिले कि हम आगे बढ़ सकें, हमारे गाँव में कोई पढ़ लिख नहीं सका लेकिन हम आगे बढ़े हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लॉ इनकम से, मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं एमटीबी स्कूल को अंदर से देख पाऊँ, आज मुझे वो मौका मिला है। मैं अपने उस्तादा को, अपने टीचर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। जी जी, सबसे पहले तो टेस्ट बहुत अच्छा था और हमारा बुक के अंदर से था ओवरऑल टेस्ट की हमारी तैयारी, बोर्ड की बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, और टेस्ट अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हुआ है टेस्ट, और इसका उम्मीद तो है बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और बाकी ये कि अगर आ गया तो हम लोग इंशाल्लाह आगे यहीं आएंगे। थैंक यू सो मच। कौन से स्कूल से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे टेस्ट के वाले? हम इकरा पब्लिक स्कूल से आए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे इसमें नंबर इतने अच्छे भी नहीं आए तो फिर हमारे बोर्ड के लिए हाथ से तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और हमारे इस तरह कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इस तरह हमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तैयारी नहीं की, जो तैयारी थी बस उसी के साथ ही आए हैं, कोई खास तैयारी नहीं इसके लिए की, अब देखेंगे जो होगा जितने नंबर आ गए इंशाल्लाह। क्या उम्मीद कर रही है कि इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स में आप जो है वो विन कर पाएंगे इस टेस्ट को? जी अब वो तो डिपेंड करता है कि हमने तो कोशिश भरपूर की है, अपनी तरफ से कोशिश की थी। मैं कहना चाहूँगी कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और माशाल्लाह नंबर्स भी अच्छे आएंगे, मैंने इसके लिए तैयारी भी की थी, क्लास में भी की थी, स्कूल में भी की थी और घर में भी इसको प्रिपेयर किया था। इंशाल्लाह जो सर ने हमें मोटिवेशन किया था, इंशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो टेस्ट हुआ इसके बारे में? इस टेस्ट से हमें इंस्पायरेशन मिली है, बोर्ड की हमारी अच्छी तैयारी हुई है। जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मैं विन करूँगी और बहुत अच्छा था टेस्ट, इजी था और बहुत मज़ा भी आया और इतनी तैयारी थी कि हम अच्छा टेस्ट दे सकें। और दूसरा एमटीबी ने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रखा, हमारे में कॉन्फिडेंस आया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जमादिल वाली से मैं आई हूँ और टेस्ट काफ़ी आसान था, सही हुआ है, इंशाल्लाह विन करेंगे। आपका स्कूल का जहाँ पे आई हैं आप, बहुत से बच्चों ने आपको वेलकम भी किया, क्या कहना चाहेंगे कैसा रहा टेस्ट और क्या विन करेंगे? बहुत ही अच्छा रहा टेस्ट और इंशाल्लाह। ये स्ट्रेस कैसा था, मतलब कि मुश्किल था, आसान था, कि आपके पेपरों में नंबर शंबर के हवाले से आपकी तैयारी भी हुई है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा हमारी तैयारी हुई है, थोड़ा था कि हमें लगा है कि मुश्किल है लेकिन अगर ध्यान से करें तो आसान था। आपका टेस्ट कैसा रहा, मुश्किल था, आसान था, कितने नंबरों का पेपर करके आई है? जी नंबर तो इंशाल्लाह अच्छे आ जाएंगे, पेपर भी इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह पेपर्स की तैयारी की वो है। पास होने की उम्मीद है या नंबर लेंगे? जी पास होने की उम्मीद है। अच्छे मेहनत करके आए हैं, अच्छे नंबर हासिल करेंगे, अच्छा नाम कमाएंगे हमारे मुल्क का, तो इनकी जो कारकर्दगी हमने देखी है, इनका काम देखा है, बहुत अच्छा है, स्कूल भी कॉलेज भी बहुत प्यारा है। जी मैं इकरा स्कूल से आई हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ हमें बहुत मज़ा आया, टेस्ट बहुत ईजी था और इस तरह कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इस तरह आना चाहिए और टेस्ट देने चाहिए, तैयारी बोर्ड की अच्छी होती है। बेटा स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़े थे, आपको क्लास फेलो भी मिला जिसको देख के बड़ी खुशी हुई? जी बहुत क्लास फेलोज आए थे, तकरीबन हमारी क्लास के सारे बच्चे इधर आए हुए हैं।
तो क्या कहना चाहेंगे टेस्ट के बारे में? टेस्ट अच्छा था, बहुत इजी था, इंशाल्लाह हम लोग इसे पास कर लेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे बेटा, आप यहाँ पे आई हैं, टेस्ट वगैरह दिया, आपके टीचर ने भी आपको तैयारी करवाई है? यस, हमें टीचर्स ने तैयारी करवाई थी और माशाल्लाह टेस्ट हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त था, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया एमटीबी में आके। मतलब ऐसा कहीं भी पूरे सातकवार में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉलेज होगा, यहाँ पे इतने अच्छे से हमें ट्रीट किया गया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। लेकिन टेस्ट भी बहुत इजी था और अच्छा था, टीचर्स की इन्विजिलेटर्स भी बहुत अच्छी थी, स्टूडेंट्स हर बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे। आपके स्कूल में बाकी स्कूलों के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, क्या तासुरात लेके आते हैं, उनको कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आए हुए हैं आपके स्कूल में, आप इस वक्त मेज़बान भी हैं उनकी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि एमटीबी स्कूल बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर आएँ एडमिशन लें, यहाँ का स्टाफ बहुत ही स्वीट है, आपके साथ कोऑपरेट करेगा, हमारी तरफ से आपको वार्म वेलकम करेंगे, हम आपके सीनियर्स हैं, हम आपका वेलकम करेंगे। एमटीबी कॉलेज की पहचान और हमारी जान, बड़े प्यारे भाई हमारे, बड़े भाई हंसते हैं तो कमाल हंसते हैं, बड़ा प्यारे लगते हैं। अहमद जी फैसा हमारे साथ मौजूद है। सर, एमटीबी में बड़े स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मरतबा है, आप लोगों ने कमाल कर दिया सर, और कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो जी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि इस मरतबा ये पिछले साल से हमें दुगना रिस्पॉन्स मिला है, और ये सारा क्रेडिट हमारी मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे हमारे वाइस प्रिंसिपल उमैर मुदस्सर साहब को जाता है, जिन्होंने हमारे डायरेक्टर जनाब मोहम्मद इंजौर साहब की रहनुमाई में और उनकी जो सरपरस्ती में ये इवेंट कंडक्ट हुआ, और दीगर तमाम असातिज़ा कराम ने इसमें अपनी शमूलियत रखी है। और मैं ख़ास तौर मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा अपने तमाम मैनेजमेंट के कोलीग्स को, और दुआ गो हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन में वो सुरखरू हों और उनका सही मानों में टैलेंट उभर कर सामने आए। इस एक्टिविटी का बुनियादी मकसद भी यही है कि मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, चूँकि ये हाई टाइम होता है उनकी प्रिपरेशन का, तो एमटीबी ने ये फोरम प्रोवाइड किया है उन्हें, कि ना सिर्फ ये कि उनकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी इम्प्रोवाइज़ हो जाए, उसमें बेहतरी पैदा हो, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें अपना हज़ारों की तादाद में जब ये स्टूडेंट्स एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो सही मानों में उनकी जो जहानत है और उनका टैलेंट है वो सामने आता है। सबसे पहले शाबान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और हम आपके तह दिल से मशकूर हैं। इस एक्टिविटी को पिछले साल हमने शुरू किया था, पिछले साल कोई 4000 स्टूडेंट्स था और इस साल जो है हमारे पास 5000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ दो चार बातें ही कहूँगा कि सबसे पहली बात टीम वर्क होती है, इदारा होता है। एमटीबी ने बहुत सपोर्ट किया, पूरी टीम ने सपोर्ट किया, और जो डायमंड माइंड्स के सारे लोग इस वर्क में शामिल थे उन्होंने दिन रात एक एक करके सारा कुछ हर इवेंट को मुकम्मल तौर पर किया, तो मैं तहे दिल से उनका मशकूर भी हूं और उन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं दिल के अथाह गहराइयों से, और उम्मीद है कि आइंदा हम इस प्रोग्राम को अगले साल शाबान साहब आप देखेंगे इससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो करेंगे। बहुत बेहतर है, सबसे पहली बात तो यह है कि पिछली दफ़ा के हम लोग ना सिर्फ ये डायमंड के विनर हैं बल्कि हम लोग पंजाब कॉलेज के हम भी विनर हैं, और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारे 50+ बच्चे हैं, हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हम अपना रिकॉर्ड जो है वो अपने पास ही रखेंगे। बहुत बड़ी एफर्ट है ये, स्पेशली सादिकाबाद के जितने भी नौनहाल हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा ये सरप्राइज़ है, लेकिन जो रूरल एरिया के स्पेशली बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा है। इवेंट है ये, हमारी तहसील का एक शानदार इवेंट नज़र आया है, आज हमें यहाँ लेकर आए हैं इस पूरे इम्तहान जो कंडक्ट हो रहा है इसको देख कर, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी, इसकी इंजाम, मेरे ख्याल में हमने इस तरह के इंजाम पहले कभी नहीं देखे हैं। माशाल्लाह जी, आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा सेटअप है, और मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा, बच्चों की ग्रूमिंग होगी इससे, और आपको पता है एंट्री टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे FSC के बाद, तो अभी से ही इसकी बुनियादें रख रहे हैं। अब आपको ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात करवाता हूँ जिन्होंने मेज़बानी का हक अदा किया है, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए थे दूर दराज इलाकों से, स्कूलों से यहाँ पे आए हुए थे, ये बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे यूनिफॉर्म में, इन्होंने जो है उनका बड़ा बेहतरीन तरीके से वेलकम किया है। इस वक्त स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर जो बच्चे आए हैं दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको कैसा लगा यहाँ पर आके, आप लोगों ने वेलकम किया, उनको इतना अच्छा ट्रीट किया, क्या तासुरात देखने को मिले?
बहुत ही अच्छे तासुरात थे उनके। कुछ लोग बच्चे जो थे वो देहातों से आए हुए थे, उन्हें हमारा कॉलेज देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने बहुत अच्छे से वेलकम किया और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी थे, और हमें बहुत अच्छा लगा कि डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हमारे स्कूल में आए हुए थे और उन्होंने इतने अच्छे से हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया और हमने जैसा कहा उन्होंने वैसा किया, और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया उनके साथ। और हम उन्हें दावत देते हैं कि हम हमारे कॉलेज में एडमिशन लें, और यकीनन हमारा स्टाफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा यहाँ पर आके। यहाँ से बहुत सारे बच्चे आए थे मुस्लिम कॉलेजेस से, मुस्लिम स्कूल से, और मैं कुछ गाँव के स्कूल से आए थे, कुछ किसी और स्कूल से आए थे, और वो सब बहुत खुश थे। उन सब कोई था, कोई कह रहा था मैं पोजीशन लूँगा, कोई कह रहा था मैं पोजीशन लूँगा, इसी शौक में उन्होंने पेपर बहुत अच्छी तरह किया और हम उन सब ने हमारी बहुत बात मानी। एक तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब बच्चे आए डिफरेंट स्कूल से आए, उन्होंने मतलब उनको भी एक्सपीरियंस हुआ नए कॉलेज में आए कैसा लगा, मतलब फिर अच्छा लगा हमें भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके वो आए इस कॉलेज में एडमिशन लें। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और टेस्ट भी मतलब बहुत इजी था, तो बच्चों ने इंजॉय भी किया, काफ़ी अच्छा था। और ड्यूटी दे के ये समझ लगी कि टीचर्स की ड्यूटी इजी नहीं होती, हर ड्यूटी मुश्किल होती है लेकिन टीचर्स की कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होती है। हर जगह पर नज़र रखनी होती है और काफ़ी टाइम खड़े रहना होता है। हम लोग पहली दफ़ा करे थे, काफ़ी मुश्किल था लेकिन मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा। और टीचर्स की कुछ अच्छा, बेटा ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अब अपने टीचर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, आज आपको टीचर बन के मतलब जिस तरह आपने हालात देखे खड़े रही हैं इतनी देर, तो जो टीचर्स ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत वाला काम है और टीचर बनना कोई आसान बात नहीं है, और ये अपनी पूरी ज़िंदगी हम पे लगा देते हैं, इनके लिए तो मतलब जितने भी कसीदे बांधे जाएँ वो कम है।